अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा, तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में, पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है, कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा, तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प 1 बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाली स्थान पर रखते जाओ। 1 बेलपत्री 1 प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीओर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब 1 प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ उसमें शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ, आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रम्भेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, 1 बेलपत्र 1 पुष्प अशोक सुंदरी वाली, 1 बेलपत्र 1 पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और 1 बेलपत्र उसमें से 1 पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए, बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रम्भेश्वर महादेव में, श्रम्भेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है। 33 कोटि देवताओं, श्रम्भेश्वर बोल, श्रम्भेश्वर महादेव की, श्रम्भेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, जब भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद में विराजमान थे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिवजी ने विष को धारण कर
क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहन करना पड़े। और सहने की आदत होना भी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। भक्तों, आज के जो गुरु जी ने दो उपाय बताए हैं, ये दोनों उपाय आपको शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन करने हैं। हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है, उस दिन आपको ये उपाय करने हैं, और प्रदोष काल में ही आपको ये उपाय करने हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 30-40 मिनट बाद तक का जो बीच का समय है, वही प्रदोष काल का समय होता है। उसी प्रदोष काल के समय के अंदर और शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करने हैं। पहला जो उपाय गुरु जी ने बताया है, वो है आपका भाग्य बदलने का उपाय। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप जो गुरु जी ने पहला उपाय बताया है, 7 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्री के पत्ते वाला जो उपाय है, वो उपाय आप करिए, महादेव आपका भाग्य बदल देंगे। और दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, वो है बीमारी के लिए। अगर कोई रोगी व्यक्ति है आपके घर में, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आप उसके लिए ये उपाय प्रदोष के दिन जरूर करिए। दूसरे उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं और 7 ही बेलपत्री के पत्ते लेने हैं। अब यहाँ गुरुजी ने ये भी कहा है कि आपको जो फूल लेने हैं, जो पुष्प आप ले रहे हैं, वो पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। चाहे आप गुलाब का पुष्प लें, चाहे आप गेंदे का पुष्प लें, या कोई और जो भी आपके पास में हो, वो पुष्प आप ले सकते हैं। पर ये दोनों उपाय आपको करने प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही है। बाकी गुरु जी ने पूरा डिटेल में उपाय बताया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, आपको कहीं भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय का आपको लाभ हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताना। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।